एजुकेशन कंट्रोल। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे एडमिशन क्या होता है, एडमिशन के कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं तथा एडमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है और एडमिशन के सोर्स क्या क्या हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एडमिशन। एडमिशन का हिंदी अर्थ है उत्सर्जन। इंटरनल कम्बसन इंजन में जो हम बेसिकली फ्यूल यूज करते हैं वो या पेट्रोल होता है या डीजल होता है या गैसोलीन होता है। उसको जलाने के पश्चात जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं उनको वायुमंडल में या वातावरण में छोड़ दिया जाता है। वातावरण में छोड़ने से ये जो विषैली गैसें हैं ये वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। विशेष तौर पर जो वातावरण में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और मानव है, ये गैसें सभी के लिए नुकसानदायक होती हैं, जिससे वातावरण की हवा का जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी अधिक बढ़ जाता है, जिसको हम अशुद्ध हवा कहते हैं। यहां तक कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, जो लगभग NCR में 1000 से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चक्कर आना, बेहोशी या घुटन महसूस होती है और यहां तक कि जो CO है उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। देखते हैं एमिशन के स्टैंडर्ड। यहां पर आपको एक टेबल दिखाई गई है, ये एमिशन के कुछ स्टैंडर्ड हैं। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है CPCB, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है और जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर हैं या फोर व्हीलर्स हैं, वो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तथा स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए टाइम टाइम पर अपने वाहनों में कुछ मॉडिफाइड करते रहते हैं ताकि इस उत्सर्जन को कम किया जा सके। ये आप देख रहे हैं ये एमिशन का स्टैंडर्ड है, ये डीजल वाहन के लिए दिया गया है। बेसिकली जो हमारा एमिशन है इसमें तीन गैसें निकलती हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहाँ पर दिया गया है HCl+NOx यानी हाइड्रोकार्बन और NOx दोनों को मिला के, और ये PM है यानी पर्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है जो सॉलिड है या लिक्विड जो हमारे पार्टिकल्स है वो निकलते हैं। 01, 02, 03, 04, 06 ये टेबल दी गई है। सबसे पहले समझते हैं 0 क्या होता है। 01 एक्चुअली में जो यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड का मतलब यूरोप कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सबसे पहले एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम को प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम क्या है, यूरो है। भारत में भी यह लागू हुआ, लगभग 2000 के आसपास लागू हुआ और भारत में फिर बाद में इसका नाम BS1 रखा। BS का मतलब होता है भारत स्टेज 1 या भारत स्टेज 2 रखा गया इसका नाम। अब 01 जो वाहन थी इसकी शुरुआत लगभग 2000 में हुई, सन 2000 में ये NCR में नेशनल कैपिटल रीजन में ये वाहन बनाए गए। इसमें जो CO था 2.27 ग्राम पर किलोमीटर, NOx इसमें दिया नहीं गया है, HC+NOx मिला के 0.97 ग्राम पर किलोमीटर और PM 0.14 ग्राम पर किलोमीटर। 01 में क्या किया गया कि एक कैटलिटिक कन्वर्टर लगा दिया गया जिससे जो हमारे हार्मफुल गैसें थी वो थोड़ा हार्मलेस हो गई, थोड़ा सा उनको ये जो CO है या NOx है या HCS को कम कर दिया गया। उसके पश्चात 2001 में यूरो 2 वाहन हमारे इंडिया के कारों में या वाहनों में लगने शुरू हो गए। इसमें भी ये जो गैसें हैं विशेष तौर पर CO, NOx और HC इनको कुछ कम कर दिया गया। यूरो 2 में ये CO की मात्रा 1.0 हो गई, HC+NOx 0.7 हो गई और PM 0.08 हो गया। उसके पश्चात 2005 में NCR में 03 लागू हुआ। 03 में क्या हुआ, ये इनको जो है और कम कर दिया गया, CO जो
1.0 था वो 0.54 हो गया। इस प्रकार से सभी की रेंज धीरे धीरे कम होती गई। यूरो 4 जो 2010 में एनसीआर में लागू हुआ और इसमें ये जो विषैली गैसें थी इनको और कम कर दिया गया। इस प्रकार से यूरो 5 जो 1 अप्रैल 2017 से लागू होना था ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी, उन्होंने कहा कि हम यूरो 5 अभी वाहन बनाने में असमर्थ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि 1 अप्रैल 2020 के बाद जो है आप यूरो 6 वाहन बनाएंगे। उसके बाद यूरो 6 वाहन 1 अप्रैल 2020 से हमारे भारत में बनने शुरू हो गए हैं, जिसमें सीओ की मात्रा 0.5 ग्राम पर किलोमीटर, नॉक्स 0.08 ग्राम पर किलोमीटर और एचसी प्लस नॉक्स 0.10 ग्राम पर किलोमीटर तथा पीएम 0.05 ग्राम पर किलोमीटर निकलता है। यानी इस एमिशन को उत्सर्जन को और कम किया गया, समय समय पर मॉडिफाइड किया जाता है और उत्सर्जन को कम करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दिन प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ सुधार करते रहते हैं। पेट्रोल इंजन की अगर बात करें तो इसमें यूरो 1 में जो सीओ था 2000 में 2.72 था, फिर यूरो 2 में 2.2 कर दिया गया इसको, यूरो 3 में 2.2 कर दिया गया, यूरो 4 में 1.0 हो गया और यूरो 6 में भी 1.0 ग्राम पर किलोमीटर ये सीओ निकलती है। नॉक्स की अगर बात करें तो पेट्रोल में या गैसोलीन में 0.15, यूरो 3 में, यूरो 4 में 0.08 ग्राम पर किलोमीटर और यूरो 6 में 0.06 ग्राम पर किलोमीटर ये नॉक्स निकलता है। इस प्रकार से जो पीएम है इसको भी कम किया गया। समय समय पर मॉडिफाइड ये जो कंपनियां हैं ये करती रहती हैं और जो सीबी डिपार्टमेंट है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करती रहती हैं। अब देखते हैं सोर्स ऑफ एमिशन कि एमिशन हमारे वाहन में कहां से उत्पन्न होता है। बेसिकली एमिशन के तीन सोर्स हैं। पहला है एग्जॉस्ट एमिशन। एग्जॉस्ट एमिशन का मतलब हम जो चार्ज जलाते हैं, जो फ्यूल और ईंधन जलाते हैं, उसको जलाने के बाद जो गैसें बाहर निकलती हैं उसमें विशेष तौर पर तीन जहरीली गैसें होती हैं सीओ, एचसी और नॉक्स। उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा बाद में बताऊंगा, ये एग्जॉस्ट एमिशन है। नेक्स्ट है इवेपोरेटिव एमिशन। इवेपोरेटिव एमिशन का मतलब होता है जो हमारा फ्यूल टैंक का वेपर है या कार्बोरेटर का वेपर है वो सॉलिड जो है हमारे वातावरण में जाता है और वातावरण को नुकसान करता है, एक ये सोर्स है। तीसरा है क्रैंकेस वेंटिलेशन। क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या होता है? कंबशन चैम्बर में जब गैसें जलती हैं तो कुछ गैसें क्या होती हैं वो लीक होकर नीचे क्रैंकेस में चली जाती हैं। हालांकि वहां पर कंप्रेशन रिंग लगी रहती है लेकिन फिर भी एयर गैप होने के कारण वो गैसें नीचे क्रैंकेस में जाती हैं और ऑयल से मिल जाती हैं। ऑयल से मिलने के बाद क्या होता है, इन गैसों को एक ब्रीदर पाइप के द्वारा बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता था जो हमारे वातावरण को अशुद्ध करती थी यानी हमारे लिए नुकसानदायक थी। बेसिकली तीन प्रकार का सोर्स है एमिशन का। अब ये जो एमिशन है इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे। जो एग्जॉस्ट एमिशन है मैंने बताया कि 2000 में हमने क्या किया, एक कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया, सीओ नॉक्स और एचसी को कुछ हद तक हमने कम किया। उसके बाद धीरे धीरे एग्जॉस्ट एमिशन को कम करने के लिए थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर लगाए गए। थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर क्या है, इसका नाम से ही पता चला थ्री वे, यानी बेसिकली जो एचसी है, नॉक्स है और सीओ है, इनको कम करने के लिए हमने क्या किया, उस कैटलिटिक कन्वर्टर ने क्या किया कि सीओ को तो सीओ टू में, नॉक्स को नाइट्रोजन में और एचसी को H2O में कन्वर्ट किया। इससे भी हमारा एमिशन कम हुआ। उसके बाद इसमें हमने क्या किया, एग्जॉस्ट सिस्टम में ईजीआर वाल्व लगाया। ईजीआर वाल्व यानी जब नॉक्स की मात्रा बढ़ती थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ईजीआर वाल्व के थ्रू हम उसको वापस रिटर्न इंटेक मैनिफोल्ड में भेजते थे। इससे भी हमारा एमिशन कम हुआ। उसके बाद
डीपीएफ यानी इसको बोलते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, यानी बेसिकली विशेष तौर पर डीजल इंजन में एग्जॉस्ट को फिल्टर करके भी हमने एक फिल्टर लगाया ताकि वो गैसें कम से कम जो है बाहर निकले। और आजकल जो है डीजल इंजन में एससीआर लगाए जा रहे हैं। एससीआर, एससीआर का मतलब होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, एक विशेष प्रकार का कैटालिटिक कन्वर्टर जो डीजल इंजन में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से एग्जॉस्ट सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा आता है ई वेपोरेटिव एमिशन, यानी जो फ्यूल टैंक या कार्बोरेटर का वेपर है इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली वाहनों में एक चारकोल कनिस्टर लगाया जाता है, एक कनिस्टर पर्ज वाल्व भी लगाया जा रहा है। क्या होता है, जो फ्यूल टैंक का वेपर है उसको एक वेंट पाइप के द्वारा कनिस्टर पर्ज वाल्व में भेजा जाता है, वहां से वो फ्यूल जो है चारकोल कनिस्टर में जाता है, वहां से बंद होकर फिर बाहर निकलता है। और कार्बोरेटर का जो वेपर है उसको भी कनिस्टर तारकोल कनिस्टर में भेज के उसको फिर बाहर भेजा जाता है। नेक्स्ट है क्रैंकेस वेंटिलेशन। क्रैंकेस वेंटिलेशन मैंने बताया, अब इस सिस्टम में क्या किया, एक पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन लगाया गया। पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन का मतलब जो ब्रीदर पाइप के द्वारा इन सॉलिड या लिक्विड को हम बाहर भेजते थे, चाहे वो जली हो या अधजली हो, उनको क्या किया, बाहर भेजने की बजाय एटमॉस्फेयर में छोड़ने की बजाय एक पाइप के द्वारा पुनः इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर उनको पहुंचाया जाता है, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम के सोर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम का कंट्रोल कैसे करते हैं, ये आपकी समझ में कुछ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।